नमो आर्याणं नमो उच्छायाणं नमो लोये सुब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुकारो सप्पापणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं भवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम् जय जगजीवचोनि व्यानो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधो जय जगप्यामो वैवं जय सुवानं भवतीतैराणमपचिमो जय जय गुरु लोगानं जय मोपामावीरो ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अग्निमतिमीरांधानां ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम चंचल यौवनम चला चलेस्मिन् संसारे धर्म एको हि निश्चल उपदेशमाला ग्रंथ जिसकी रचना अभिज्ञान के स्वामी पूज्यपाद धर्मदास गणी महाराजा ने अपने पुत्र के उपकार को ध्यान में रखकर अपना पुत्र एक समय अनेक दोषों से भरा हुआ देखा उन्होंने, वे तो दीक्षित हो गए लेकिन उनके हृदय के अंदर एक परोपकार का भाव प्रकट हुआ कि जिस संतान को मैंने जन्म दिया उसके संस्कारों की रक्षा करना भी मेरी ही फर्ज है, उसके इस लोक की और परलोक की चिंता करना भी मेरे ही कर्तव्य में आता है, उसको मोक्ष की दिशा तक ले जाने का भी कार्य मुझे ही करना है, तो ये जन्म देना सार्थक है। बाकी तो जन्म तो पशु भी देते हैं, बीज भी अंकुरे को जन्म देता है, लेकिन मानव जन्म की ये खासियत है कि जन्म देकर वह अजन्मा बने वैसा प्लेटफॉर्म माता पिता को बनाकर देना चाहिए। कौन सा प्लेटफॉर्म? पुत्र अजन्मा बने वैसा प्लेटफॉर्म। जब गसुकुमाल दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ है, देवकी के हृदय में भाव नहीं थे कि ये दीक्षा ले, क्योंकि उसके छह छह पुत्रों ने पहले ही कंस ने उसका वध किया ऐसा देवकी को लगा, और छह पुत्र का सुख मैं ले नहीं पाई तो एक पुत्र का तो मुझे गोद का सुख चाहिए। कृष्ण को बात की, कृष्ण ने अट्ठम की आराधना का उपाय लिया और गसुकुमाल नाम का देव कुमार जैसा बहुत ही सुंदर पुत्र देवकी को प्राप्त हुआ। अब ये सातवां, लेकिन माता के लिए तो एक ही। अब वजह नेम कुमार की देशना सुनने के लिए गए और उस समय गसुकुमाल के हृदय के अंदर जो वैराग्य के बीज पूरित हुए देवकी माता को पता चला। देवकी ने समझाया बेटा, लेकिन उसने कहा माँ अंदर के शुभ परिणाम प्रकट होते हैं कुछ पुण्य की घड़ियों से, और साथ ही साथ आपकी कुक्षिका प्रभाव है कि मुझे संयम का परिणाम हुए। वैसे भी जन्म के जो रिश्ते होते हैं वो 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल बाद में भी रिश्ते और ही रिश्तों में बदल जाते हैं। जन्म बदला, भव बदला तो रिश्ता बदला। इस थोड़े वर्षों के सुख के लिए तुम्हें मेरे ऊपर मोह रखना समुचित नहीं लग रहा है, कार्य में ऐसा करूंगी जिससे तेरा भी उद्धार हो जाए। उसको नीचे रख लो फिर आवाज़ें होंगे। माता के हृदय में बात बैठ गई, क्योंकि देवकी माता शुद्ध समकीति आत्मा है और जिनका नाम भरेसर के अंदर हम लेते हैं
तो उस माता ने अपने पुत्र के हित का विचार किया, साथ साथ में अपने आत्महित का भी विचार कर लिया। तो जन्म देने की सार्थकता, अपने पुत्र को मोक्ष के मार्ग तक के प्लेटफॉर्म बनाकर दे देना, फिर वो जिस तरह से उसका भविष्य लिखा होगा वैसा होगा। सही फर्ज तो अपने माता पिता के यही होते हैं कि उसको इस भव की चिंता भी कराए, परभव की चिंता भी कराए, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बता के दे। ऐसा सुंदर प्लेटफॉर्म बना के माता पिता को दे देना चाहिए। भविष्य अपने अपने हाथ में। तो ये जो उपदेशमाला नाम का ग्रंथ है, ये उपदेशमाला नाम का ग्रंथ भी अवधि ज्ञान के स्वामी धर्मदास गणी महाराजा ने अपने पुत्र के उद्धार को ध्यान में रखकर किया। निमित्त एक था, आदर्श बहुत थे। निमित्त पुत्र था, आदर्श क्या था? तो कि इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके, इस ग्रंथ का वांचन मनन निधिध्यासन करके हरेक आत्मा अपने स्व कर्तव्य को समझे, परमात्मा के स्यादवाद के रहस्यों को समझे, आत्मकल्याण का मार्ग, सद्गति का मार्ग पकड़े। रणसिंह नाम का राजकुमार बड़ा राजवी बना है और वहाँ के उपवन के अंदर जिंदास गणी महाराज पधारे हैं और जिंदास गणी महाराजा ने प्रवचन के अंदर बहुत सुंदर बातें की और अंत में एक बात बताई, राजन धर्मदास गणी महाराज मेरे गुरु थे और तेरे पिता थे और उन्होंने ग्रंथ की रचना करके मुझे दी और वो ग्रंथ तेरे कल्याण के उद्देश्य से लिखा है, तुझे इसका स्वाध्याय आज ही कर लेना है। राजा को विस्मय हुआ। गुरु ने क्या कहा? तुझे इसका स्वाध्याय आज ही कर लेना है। उसने कोई विकल्प नहीं किया। एक बात याद रखना, जैसे अपने पैरों की गति रोकने का काम कांटा या कंकर करता है, वैसे अपने आत्म के प्रगति को रोकने का काम अपने संकल्प और विकल्प करता है। गुरु की आज्ञा में विकल्प नाम का कंकर आ गया तो प्रगति अटक गई। सम जब जिंदास गणी महाराजा की बात या हुई, उन्होंने कहा तुझे आज ये ग्रंथ मेरे गुरु ने दिया हुआ लिखा हुआ और तेरे परम पिता, यह ग्रंथ आज तुझे ग्रहण करना है, आज ही इसका तुझे स्वाध्याय करना है। कोई भी मन में विकल्प किए बिना राजा ने वो बात स्वीकार की और शास्त्र का लिखते इतिहास के अंदर कि धर्मदास गणी महाराजा का लिखा हुआ यह ग्रंथ जिंदास गणी महाराज इस राजा को दे रहे और वो एक एक श्लोक लेता है, ग्रहण करता लेता है। गुरु ने एक बार दिया, उसने एक बार लिया, तीसरी बार में सारा ग्रंथ राजा ने मुखस्थ बोल दिया, कंठस्थ बोल दिया। ऐसा आईक्यू पावर कहां से आया? तो क्या ऐसी सक्षमता, ऐसी प्रतिभा आत्मा में रही है, लेकिन कोई माध्यम चाहिए। सबसे बेस्ट माध्यम है सद्गुरु। आपने सुना होगा कि इंद्रभूति आदि 500 ब्राह्मण मेन कैप्टन इंद्रभूति सर्वप्रथम जब गए तो पहले तो विवाद के हिसाब से गए थे, अभिमान को लेकर ही गए थे। लेकिन हमने वो भी सुना है कि जहाँ ये परमात्मा ने उनके संशय का निवारण किया और उस समय इंद्रभूति ने परमात्मा के श्रीमुख से 3 पद ही सुने, उपनयवा विगमयवा द्वैवा, प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय एंड एग्जिस्टेंस, ये भी वर्तमान के विज्ञान के सूत्र हैं, उत्पत्ति नाश और अवस्थित एग्जिस्टेंस। एनर्जी कभी भी नाश नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है, ये वर्तमान का विज्ञान कहता है। एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय बट इट जस्ट ट्रांसफॉर्म। परमात्मा ने ये तथ्य तो पहले ही कह दिया था, वस्तु उत्पन्न होती है
वस्तु नाश होती है और वस्तु शक्ति के रूप में अस्तित्व में रहती है। कैसे हमें तजुर्बा होता है कि नाश होने के बाद भी रहती है, तो नाश होने का मतलब क्या है? नाश होने के बाद भी वस्तु रहती है, ये विरोधाभास लग रहा है। लेकिन विरोधाभास लगे में ऐसा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आपके पास सोने का कड़ा था, लेकिन आपके किसी मेंबर को घर को मेंबर को अपने को कड़ा नहीं चाहिए, अपने को चैन चाहिए, चैन। तो अपने बड़े बुजुर्ग पिताजी को पूछा कि पिताजी अभी सोने के चैन बनाने की बात चल रही, तो कड़े को गाल के सोने की चैन बना दे। पिताजी बोला ओके, आपकी सबकी राय, तो मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरा तो सोना टिकेगा ना, बस कड़ा हो या चैन हो सोना टिकेगा। ओके, ये क्या हो गया? कड़े का नाश हो गया। तो कड़े का नाश हुआ तो सोना रहा कि नहीं रहा? सोना रहा ना, बस वही बात जैन सत्संग कि एक आत्मा यहां से दूसरी गति में जाता है उसको लोग मरण कहते हैं, लेकिन जैन सत्संग कहता है कि ये तो शक्ति का रूपांतर है, आत्मा का रूपांतर ही है ना। दूध में से दही बना तो दूध का नाश हो गया ऐसा हमको लगता है, लेकिन दूध दही में रूपांतर हुआ। बाल्यावस्था आदि हम यौवन वय में आए तो बाल्यवय नाश हो गया, लेकिन बाल्यवय जिसका है वो नाश हुआ है कि वो है, वो तो पूरे पूरा है, तो रूपांतर हो गया। इसी को कहते हैं रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह तथ्य भरी बातें जैन शासन के स्यादवाद में भरी पड़ी है। उपनयवा विग्मयवा धुईवा तीपदी सुनी और इंद्रभूति जैसे अभिमानी एक समय के एक अंतर मुहूर्त में चौदह पूर्व की रचना कर बैठे, ऐसा टैलेंटेड पावर आत्मा में भरा हुआ है, बाहर लाने का काम सदगुरु का सानिध्य करता। मुझे वो कहना है सदगुरु का सानिध्य अंतर में छिपी शक्तियों का प्रादुर्भावकरण करता है। हमारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत सी श्रद्धाएं हैं, लेकिन शक्ति और श्रद्धा के सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हैं। हमारी श्रद्धा का विषय जितनी दवा है उतनी साधना नहीं है। हमारी श्रद्धा का सब्जेक्ट जितना अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए उतना मन स्वस्थ रहना उतना नहीं है। श्रद्धा के विषय अपने पास बहुत हैं, बट सब्जेक्टिवली हमारे जो विषय वो बहुत ही कमजोर है। क्या गुरु भगवंत या साधु साधी शरीर को संभाल दे कि नहीं संभाल रहे? भाई संभाल दे कि नहीं संभाल रहे? कि आप लोग ही संभालते हो? अरे मैं कह दूं कि आपसे ज्यादा हम संभाल दे शरीर को। हाँ, आपसे ज्यादा शरीर को हम संभालते। एक भागशाली थे चेन्नई के अंदर, जब से कोरोना की रामायण चली फरवरी लास्ट से, उसको बहुत आउटर का कनेक्शन बहुत थे। उसने मुझे बोला महाराज साहब यहाँ पे लॉकडाउन तो इंडिया में तो मार्च 19 या 20 को हुआ, मेरा लॉकडाउन मार्च 1 से हो गया था, मैं अपने घर से बाहर निकला नहीं, घर वालों को बोल दिया कोई बाहर जाएगा नहीं, दवा लानी है तो भी डॉक्टर का आदमी ला के देगा, बढ़िया पार्टी और साग भी ला के देगा, दूध भी ला के देगा, सभी ला के देगा। एक महीना मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मैं पूरा, कितने दिन हो गए? 90 दिन घर से निकला नहीं, और रोज डेटोल डाल के स्नान करता था। क्या बोलते हैं उसको? सैनिटाइजिंग, सैनिटाइजिंग टू बॉडी, सैनिटाइजिंग, और घर के अंदर एकदम साफ सुथरी। नौकरों को भी बंद कर दिया भाई, नौकर भी आना तो घर नहीं रहना, घर से बाहर जाएगा तो नौकर को फिर आने को मिलेगा नहीं, होम क्वारंटाइन नौकर। कैसा नौकर? 10 दिन पहले पता चला उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया। प्रविशति वज्रमये यदि सदने, तृणमत घटयति वदने, तदपि न मुंचति हतसमवर्ती निर्दय पौरुष धरती। अरे तो वज्र के घर में जाके बैठ जाना, रोज त्रिकाल रसायन का सेवन करना, तेरा आयुष्य बल अगर बलवान रहेगा तो सब काम करेंगे। शरीर की देखरेख करना बहुत जरूरी है, मान लिया,
लेकिन पुण्य के हिसाब किताब को भी समझ लेना जरूरी है, वो भी मानना चाहिए। 3 महीने से एक बार घर के बाहर कदम नहीं रखने वाला व्यक्ति, अपने घर के कोई मेंबर को बाहर नहीं निकालने वाला व्यक्ति, रोज डेटॉल से स्नान करने वाला व्यक्ति, रोज विटामिन सी का टेबलेट लेने वाला व्यक्ति, बोलो भाई कहना पड़ेगा कर्म सत्ता नाम की चीज। मेरा ये नहीं कहना कि आप बेदरकार बनो, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि साथ साथ में परमात्मा के शासन की आस्था को हृदय में बिठा के चलो। हमारे गुरु भगवंतों को मैंने ऑर्डर कर दिया, रोज सुबह उठ के आपको 7 से 8 मिनट इनहेल एक्सहेल करना होगा। हाँ, इनहेल एक्सहेल, कपाल भाती, और ऐसे भी है जयनगर के अंदर तो जैसे तीर्थ में बैठे हुए ऐसे ही लगता है। उपास ऐसे जहाँ जाए मारी नजर त्या जाए, परमात्मा नु शिखर देखा है। हम बैठे ऐसी जगह की सामने विशाल मंदिर दिखता है और विशाल प्रांगण। सुबह जब 3 बजे 3:30 बजे जाप करने उठते हैं तो कोयलों का मधुर स्वर सुनाई देता है, क्योंकि आजकल झाड़ भी बहुत है ना, तो पक्षियों का बसेरा कहाँ, झाड़ पे मधुर कलरव करते हैं, तो जाप में इंट्यूशन भी अच्छे मिलते हैं और जाप के अंदर स्थिरता भी अच्छी आती है। और सुबह उठ के प्रतिगमन भी 5 बजे जो भी होता है मतलब जाप के बाद, तो वही बरोबर हो जाता है, क्योंकि ठंडी रहती है ना तो प्रतिगमन अच्छा होता है। कैसे होता है, जैसे आप लोगों को ठंडी रहते नींद बहुत अच्छी होती है, ऊँग काढ़े काढ़े ने आधी जिंदगी तो उंगरे माइस पूरी भी करी लागे। कोई बोलता है मैं 8 बजे उठता है, कोई बोलता है 9 बजे उठता हूँ, कोई घर वाले तो बोलता है मेरा बेटा तो 12 बजे उठता है, एक ने बोला 2 बजे उठता है, ने बोला भला है उठता तो है। तो हम क्या करते हैं, तो क्या हम ठंडी होती है तो प्रतिक्रमण करते हैं तो बॉडी में से पसीना निकल जाता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। बाकी इतनी ठंडी में पसीना निकलना तो मुश्किल है। तो सुबह उठ के जाप करने का आनंद, सामने एकदम शांत वातावरण हो और ऐसा ब्रह्म मुहूर्त हो, उस समय जाप करना, बाद में प्रतिक्रमण करना, बाद में इनहेल एक्सहेल 10 मिनट करना, कपाल भाती करना, तो जितना भी रेस्पिरेटरी पावर यहाँ पे कोई गटर में फंसा हुआ तो सब निकल जाता है, पेट भी साफ फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला भी हम बहुत बार कर नहीं पाते हैं, सोने में ही टाइम घुमा देते हैं। एक ही दिमाग में बैठा रखा है, खूब खाओ खूब पियो और खूब सो, सच बोलो है कि नहीं। हमको डॉक्टर साहब बोलते हैं आप 4 टाइम खाओ 5 टाइम खाओ, खूब आराम करो। संस्कृति में एक उक्ति है, अतिशय सर्वत्र वर्जित, अधिक मात्रा की निद्रा बुद्धि को जड़ बनाती है, अधिक मात्रा का भोजन शरीर को जड़ बनाता है। तो अपनी बात ये चले कि सदगुरु का सानिध्य, एक राजवी से राजवी को भी एकमात्र बार ग्रंथ सूत्र ग्रहण किया, दूसरी बार में याद हो गया पूरा, और 500 से ऊपर गाता उस समय राजवी ने कंठस्थ सुना दी, सदगुरु नो सानिध्य जीवन में केवल परिवर्तन लावे छे। दिन का 7 खून करने वाला अर्जुन माली किससे प्रतिबुद्ध हुआ, किससे प्रतिबुद्ध हुआ, सुदर्शन सेठ से। उस समय भी कोरोना चल रहा था मालूम है आप, हाँ सच बोलते, वो अर्जुन माली नाम का कोरोना काम कर रहा था, तो कोई ऊपर से नीचे उतरता नहीं था, क्योंकि वो कौन से 7 व्यक्ति को मारेगा कोई नक्की नहीं है, तो कोई व्यक्ति घर से नहीं निकलता था। परमात्मा महावीर पधारे फिर भी, जैसे अभी घर से निकलते नहीं है ना मंदिर में आने के लिए, उपास में आने के लिए, मंदिर के दरवाजे खुले हैं, उपास के दरवाजे भी खुले हैं, और अपने ई के काम के लिए तो हम बाहर निकलते ही हैं इमरजेंसी काम के। तो परमात्मा और सदगुरु के दर्शन करने में हमको क्यों डर लगता है, सरकार ने तो बंधन रखी नहीं है,
सरकार को होता तो लॉकडाउन कर लेता, वो तो हमसे भी ज़्यादा एडवांस चलते हैं। लेकिन बहुत बार हमारे जो हम सरकार से भी ज़्यादा एडवांस में चलते हैं, कौन सी बात में? धर्म की बाबत, दुकान मकान की बाबत में नहीं। दुकान खोलने का ऑर्डर मिलेगा तो पहले जाके खोलेंगे, वहां सोचेंगे नहीं कि कोरोना आ गया तो। ऑफिस में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, गुरु भगवान के पास या मंदिर में आने में क्या होता है? कुछ पॉजिटिव ऑरा मिलती है? हाँ, जो जहां पे वहां बाजू बाजू के मंदिर में जाए कोई बात, लेकिन परमात्मा का पुण्य दर्शन दिन में एक बार तो करो। इतनी हम कमजोर बन गए, इतने सत्व से गिरे पड़ गए। सुदर्शन सेठ घर से निकल रहा है, पत्नी मनोरमा ने कहा प्राणनाथ, रोड एकदम खाली खपचे, सन्नाटो छायेलो छे, पक्षी का आवाज भी नहीं है, और वो पापी हाथ में खंजर लेके फिर रहा है। एक बार सोच लेना, वो तो 100% मारेगा, कोरोना मारेगा कि नहीं विकल्प है, तो 100% मारेगा। फिर भी सुदर्शन सेठ कह रहा है मारा प्रभु पधार्या छे ने हूँ दर्शन करवा न जाऊं, मारा प्रभु नी आशात्मा थसे। आपके एकदम नए जमाई, लेटेस्ट जमाई आए और आपको बुलाए, एक बार तो आप आगे जाओ तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, कुछ ना कुछ एडजस्ट करके जाएंगे ना, भले वो पूरी वर्दी पहन के भी जाओगे ना। दर्शन सेठ नीचे उतरे, मनोरमा कह दिया कि देवी जो प्रभुना चरणों में जाऊँ छू, प्रभु राखे तो भी ठीक अने न राखे तो भी ठीक। और ऐसे प्रभु की श्रद्धा का अवसर अभी है, ऐसे अवसर पे अगर मेरी श्रद्धा टिक गई तो समझूंगा कि प्रभु मेरा नियमा सुधरेगा। इस अवसर पे कमजोर बन गया मैं, नहीं चल, मुझे एक बार जाने का तो वहाँ पर दे। मंदिरों में क्या हूँ ना तो पारती नहीं, पर आप अपना स्वास्थ्य देखना, मुझे मेरा मोह नहीं है। सुदर्शन सेठ ने कहा कि संपूर्ण विश्वास ने आस्था छे, प्रभु मारी साथे छे। सुदर्शन सेठ निकल गए और जो घटना घटी थी शायद हम जानते हैं। सुदर्शन सेठ ने जब अपना रथ चल रहा है राजमार्ग के ऊपर से, सामने से वो आ रहा है, हाथ में खंजर है, दिन के 7 खून करने के हैं, जैसे परुषण के चौमासे के अंदर लोग अभिग्रह रखते हैं ना, वैसे उसने ऐसा अभिग्रह रखा था, दिन के 7 वध करना। और उसका रथ जा रहा है, सुदर्शन को पता चला सामने से वारंट आ गया है, तुरंत ही रथ से नीचे उतरा और 4 शरणें ले लिए, 12 व्रत उच्चारण कर लिए। पहले तो व्रतधारी थे वे, लेकिन ऐसी विधि आती कि जब आयुष्य पूरा होने आए वैसा लगे तब दोबारा व्रत का ग्रहण करना चाहिए। हमारे वहां भी ऐसा होता है, जब ऐसा समय आता है तो दोबारा पंचमाव्रत उच्चाराया जाता है, फॉर गुड मेमोरीज, गुड संस्कार टिके रहे उस भाव को लेकर। कोई व्रत चले गए इसके लिए दोबारा नहीं ले रहे हैं, लेकिन व्रत की स्थिरता के लिए, अंतर के शुभ परिणाम को टिकाए रखने के लिए दोबारा 12 व्रत वो आलावे बोल रहे हैं। परमात्मा महावीर समोसन में विराजमान है, उनका इमेजिनेशन कर रहे हैं, विजुलाइजेशन कर रहे हैं। परमात्मा के समक्ष मैं खड़ा हूँ, परमात्मा मुझे मीठी मधुर नजर से देख रहे हैं। अर्यंते शरणम पवज्जामि, विश्वना संरक्षण हार, कल्प वृक्ष समान प्रभु, चिंतामणि समान प्रभु, आप मारू रक्षण करो, आपना शरणों में मारू जीवन समर्पित छे, और मैं सागारी कणसन स्वीकार कर रहा हूं। आयुष्य बचा तो ठीक, नहीं तो आहार उपधि देह संबंध सबको वोसी जाता हूं। ऐसी पूरी प्रक्रिया सुदर्शन सेठ कौशल ध्यान में कर रहे, और सामने से दौड़ा हुआ आया और उस वक्त उसके हाथ में से खंजर गिर गया और वो बेहोश हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो क्या वो अर्जुन माली जो था वो स्वयं इतना पापी नहीं था, लेकिन उसमें रहा हुआ जो वो दैत्य था ना, भूत पिशाच, उसके कारण ही हो रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि जो अप्रमत्त साधक होते हैं, शीलवान होते हैं,
उनके सामने मैली विद्या टिकती नहीं है, वो चले जाते हैं। हमारे श्रमणों को हम यही सिखाते हैं इन दिनों में, अप्रमत्त रहो तो ये उपद्रव अपने को नहीं होगा। हमारे वहाँ विधि आती है, मैं आपको दो दिन के अंदर जैन शासन कोरोना के लिए ऐसी चीज के लिए क्या बोल रहा है उसके विषय में विशद जानकारी देने वाला हूँ। आगमिक दृष्टिकोण से, गॉसिप से नहीं। तो जैन शासन विषय में क्या बोल रहा है, इसको क्या कहना, इसका सर्जन किस तरह होता है, इसके अंदर साधक आत्मा क्या कर सकते हैं, गृहस्थ साधक वगैरह इसके अंदर अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इससे बचने के लिए क्या करना। ये बहुत से टिप जैन शासन में दिए हुए, मोस्ट ऑफ आप लोग और हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ अधिकांश रूल्स रेगुलेशन आप और हम फॉलो कर रहे हैं। यहां पर ऐसा हुआ कि सुदर्शन सेठ की अप्रमत्त साधना, सत्वशालिता, शीलवंतपन, परमात्मा प्रति की अटूट श्रद्धा, सामने शरीर में रहा हुआ जो दैत्यता निकल गया, और सुदर्शन सेठ तो कौशिक ध्यान में स्थिर है, वो तो मृत्यु को आवकार कर रहे हैं। किसको आवकार कर रहे हैं? एक बात इसमें से आप भी सीख ले, हम भी सीख ले कि विषम परिस्थितियों का स्वीकार करना सुख की आधारशिला है, एक्सेप्टेंस फॉर्म। एक बार स्वीकार कर लो इसको, आ जाओ हम तैयार। हमको गुरु भगवान के साथ में जाके सामूहिक आराधना नहीं करने को मिले कोई बात नहीं, हम हमारी आराधना करेंगे, कैसे भी करेंगे, तुम क्या कर सकोगे हमारे से, हम तैयार हैं। ऐसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लो। मोहपाध्याय जी ने कहा है कि जिस चीज को आप स्वीकार करो, जे जन अभी लसेरे ते ती दूर ते नासे, वो आपसे दूर चले जाए, आप निर्भीक बन जाओ। लेकिन वारंबार जैसे हम लोग भूत खड़ा हो वैसे भय की ग्रंथि से मत बंधाओ, निर्भीक बनो। कल बताई थी नौकार की आराधना, वैसी आराधना करो। की होगी कल, आज सुबह की, आज और एक आपको दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, आपको जो पसंद पड़े आप लेना, नो प्रॉब्लम। वेराइटिकल दवाएं हमारे, एक के ऊपर थप्पा नहीं है। उसक गरम, उसक गरम एक शब्द आता है, कंठे धारे जो श्यावनु तस्सग रोग मारी मारी, ये मारी मतलब जो माँ मारी, रोग मारी दुठ जरा जंती उवसाम, शांत हो जाते हैं। और ये सूत्र भद्रबाहु स्वामी महाराज ने मारी के अवसर पर बनाया हुआ है। लघु शांति स्त्रोत्र भी मानदेव स्वामी महाराज ने मारी के अवसर पर बनाया हुआ है। तो उसगरम सूत्र का पाठ 108 बार धूप दीवा करके संकेश्वर पासनाथ का फोटो सामने, न हो तो 36 बार 3 टाइम्स तो भी 108 हो जाए, नहीं हो तो ऑल इंस्टॉलमेंट 27x4। अगर ना हो तो धीरे धीरे 36 एक दिन, दूसरे दिन 72, तीसरे दिन 81, चौथे दिन 108, ऐसे कर करके भी 108 तक जाना। और पाश्चात प्रभु की प्रतिकृति को अपने कंठ में स्थापित करना। कहाँ पे स्थापित करना? स्थापित मतलब चिपकाना नहीं है, कल्पना से, इमेजिनेशन से। मैंने आपको भी बताया था त्राटक विधि, फोटो को देखो आप, वो सगरम गिन रहे हो तो माला को ऐसे या कोई ऐसे पकड़ता है जैसी अपनी अनुमति, श्वेत वर्णी नील वर्णी दो में से एक पसंद करना, रक्त वर्णी भी चलेगी, नील वर्णी पाशनाथ है ना स्वयं, श्वेत शांति का प्रतीक है, रक्त विराम का प्रतीक है। सिग्नल होता है रेड सिग्नल तो गाड़ी रुक जाती है ना, इसीलिए तो अपने वहां पे तिलक करने में कंकु के तिलक की परंपरा है।
कि कोई भी काम करने जाए तो पंकु का तिलक ये कहता कि आपके सारे विघ्न वहीं पे अटक जाओ। दीक्षा लेने जाते उसको भी बोलते हैं मोह राजा को रेड लाइट डोंट कम इन माय हार्ट। किसको रेड लाइट? मोह राजा का रेड सिग्नल मतलब कि कंकु का तिलक, तो ये लाल कलर की माला या सफेद या ग्रीन 108 बार पाशना प्रभु वस्य गरम का जाप, हो सके तो ध्रुव दीवा करके, ना हो तो कोई बात, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह, न हो सके तो विजय मुहूर्त, ऐसे समय में ऐसे जाप बहुत ही शक्ति प्रदान करते हैं। रोज आपको अलग अलग क्वालिटी की चीजें बताएंगे हम, जैसे कि आपको जो माल पसंद पड़े वो माल लेके कैसे भी कमाल हो जाना और इस विघ्नों को निपटने की आप शक्ति प्राप्त कर लें। प्रभु को रोज विनंती करना, प्रभु 4 महीना नहीं पूजा बाकी छे भाई, 4 महीने का कमाना बाकी हो तो प्लान करके रखते हैं ना कैसे कमाना। हमने रोज खाया है, रोज पिया है, रोज आनंद लिया है, रोज सोए है, लेकिन प्रभु आपकी पूजा से वंचित रह गए, आपकी आराधना से वंचित रह गए। लेकिन उसको मत देखो, पूजा के सिवाय कितना कर सकते, वो किया है, वो तो किया है, समय कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, सुपाते दान कर सकते हैं, साधनी भक्ति कर सकते हैं, जीव दिया का काम कर सकते हैं, सब किया ना, 6 कर्तव्य है ना आपने, उसमें 6 में 1 नहीं कर पाए लेकिन बाकी तो 5 कर पाए ना, नहीं तो वो अपने आप से ठगाई हो जाती है। जिसकी शक्ति है उसको तो देखते नहीं है, जिसकी शक्ति नहीं उसको रोते हैं, उससे क्या भला होने वाला है। वो बात आती है ना, भिखारी अंधा था बेचारा, रोज मांगने जाता है, कोई थुतकारता है, कोई धक्का दे देता है, तो 2-4 सज्जन लोग मिला, अरे भाई साहब ये आपकी हालत तो देखो, आप देख भी नहीं पाते हो, लोग आपको थुतकारते हैं, आप कैसे जियोगे। उसने बोला थुतकारने वाले 4 है, देने वाले 14 है, और दूसरी बात सुनो, मुझे आंख नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि मैं आंख को देख के किसी को शत्रु बना देता था, किसी को शत्रु तो बनाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कौन धक्का देता और कौन दे रहा वो तो कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा मुझे। और प्रभु ने मुझे 2 पैर 2 हाथ दिए, गाने के लिए अच्छा गला दिया, तो मुझे भिक्षा भी मिल रही है, तो प्रभु ने इतना सारा दिया है, आंख नहीं दी तो क्यों फरियाद करूं प्रभु को, प्रभु ने आंख नहीं दी ना क्यों फरियाद करूं। ये सकारात्मक सोच व्यक्ति को प्रसन्नता के सिवा कुछ नहीं देती है, प्रसन्न। अपनी बात चली, कौन सा राजा? अरे राजा की बात, जिसने उपदेश माला ग्रंथ लिया, रणसिंह राजा भाई, कॉन्सेंट्रेटली सुन रहे हैं ना आप सभी? हाँ, रणसिंह नाम का राजा, उसने अपने पिता गुरु के शिष्य के पास से ये ग्रंथ ग्रहण किया, और इसकी मंगलाचरण की पहली गाथा आज अपन बोल के इसकी शुभ शुरुआत करेंगे, और इसके बाद थोड़ी मिनटों के लिए कथा वार्ता स्टोरी, क्योंकि खाने के बाद क्या चाहिए? मुखवास चाहिए भाई, भोजन के बाद मुखवास चाहिए ना। अभी करते होगे नहीं आप मुखवास? पहले तो नियम था, खाने के बाद मुखवास लेते ही थे, क्यों लेते थे मालूम है? क्यों लेते थे? मुंह को फ्रेश करने के लिए, तो खा के क्या अनफ्रेश हो गया मुंह? पाचन तंत्र सुधारने के, अपने वहां खाने के बाद है ना वो सुआ होता है ना, सुआ सेक के देते, उसमें थोड़ा संचर नमक डाल के देते, अभी तो किसी को दो कहे क्या कचरा देते हो, अभी तो लोगों को थूली पटोलिया बाजरी का खीस सब मालूम पड़ गया है, पहले तो बच्चों को मालूम भी नहीं था ये क्या होता है, अभी मालूम पड़ा, ये कोरोना ने सिखाया है। एक आपको टिप्स देता हूँ, जैसे कल भोजन के लिए टिप्स मैंने दी थी बहुत सारी, एक टिप्स और देता हूँ कि जब आपको लगे कि मेरा पेट थोड़ी बीमारी का सामना कर रहा है, मुझे कुछ फीवर सेंसेशन लग रहा है, सबसे पहले ये नोट करना कि आपका पेट साफ है कि नहीं, और उस वक्त
आटे की आइटम खाना बंद कर देगा। आटे की आइटम मतलब समझे आप? नहीं, गेहूं बंद करने का नहीं बोल रहा हूं, चावल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आटे की आइटम मतलब गेहूं या चावल या चने को क्रश करके, एकदम माइक्रो क्रश करके जो बनाया जाता है ना, रोटी वगैरह, वो आइटम नहीं लेना। मतलब क्या लेना? थूली का दलिया वगैरह, बाजरे का खींच वगैरह, रागी के पटोलिए वगैरह, ये सेमी सॉलिड आइटम और लिक्विड बेस्ड आइटम पेट में जाने के साथ पेट को शक्ति भी देती है, राहत भी देती है और पेट को साफ करने में भी सहायक बन जाते हैं। हमको तो बुखार आया था भाई, कितना 99 ना, चलेगा भाई दो रोटी और दे दो, चलेगा भाई दो डोसा और दे दो, 99 का 98 ही होगा या 100 होगा, बहुत बहुत तो क्या। मेरे दोस्त को तो 4 है फिर भी टनाटन खा रहा है, मेरे को तो 99 ही है ना। तो वैसे कहा जाता है कि रोग रुण और रोष इन तीनों में शुरुआत में ही जग जाना चाहिए। रोग रुण रोष, रोष मतलब एंगर मिश्र, क्रोध। एक ब्रह्म मुहूर्त का क्रोध होता है, एक सूर्योदय का क्रोध होता है, मध्याह्न का क्रोध होता है। कौन सा क्रोध है? ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय और मध्याह्न। समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में। व्हेन आई कम्स टू नो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से का ब्रह्म मुहूर्त। और जब मुझे गुस्सा आ गया, वो क्रोध का सूर्योदय है। और जब एकदम तपेला तप गया और बोल दिया, फेंक दिया, मार दिया, कृत्य कर दिया क्रोध का, वो क्रोध का मध्याह्न काल है। कब जगेंगे? जो क्रोध का मध्याह्न काल आने के बाद जगे, वो तो एकदम अधम पुरुष है, टू लेट। वैसे ही रोष, रोग और ऋण इन तीनों में प्रारंभिक क्षण में ही जग जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि आई फीलिंग फीवर सेंसेशन, तुरंत ही जग जाओ। जगना माने क्या है? खान पान में तुरंत ही नियंत्रण कर लो, नहीं तो सीधा डोलो ले लिया काम हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। पहले तो पथ्य भोजन से क्लियर करो। हमारे साधु साधु को पुकार तो आता ही होगा ना, हम ऐसे ही क्लियर करते हैं। और पेट साफ के लिए हृदय का प्रयोग वगैरह, सेमी सॉलिड फूड वगैरह, और आराम थोड़ा ज़्यादा वगैरह, ठंडी से बचना वगैरह, और हो सके तो बुरे विचार से मुक्त रहना वगैरह, ये सब दर्द को दूर करने के बेस्ट उपाय हैं। प्रथम श्लोक बोल रहा हूँ, नमियो नजी नवरिंदे इंद नरिंद चिये तिरोय गुरु ओए समालमिन मो उच्छामि गुरु वै सेनम। जिनेश्वर परमात्मा, जिनेश्वरों में इंद्र यानी कौन? तीर्थंकर। जिनवरों में इंद्र के समान तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करके गुरु उपदेश के द्वारा मैं उपदेश माला नाम के ग्रंथ को कहूंगा। किसके द्वारा? गुरु उपदेश के द्वारा। ऐसा क्यों कहा? स्वयं ही तो गुरु है, स्वयं ही तो उपदेश दे रहे हैं, तो गुरु के उपदेश द्वारा मैं कहूँगा। मतलब ये हुआ कि मैं तो खाली आपको देने में मीडिएटर हूँ, देने वाले मेरे गुरु हैं। तो मेरे गुरु यानी के जो मेरे गुरु सुधरवा स्वामी वगैरह, इसीलिए कहता हूँ कि एक गुरु की आशातना में सुधरवा स्वामी तक के गुरुओं की आशातना का पाप मैं। ये जो उपदेश माला के रचयिता धर्मदास गनी महाराजा कह रहे हैं कि मेरे गुरु के उपदेश द्वारा मैं कह रहा हूं, मतलब कि मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, अभिमान का नियंत्रण कर रहे हैं। विनय का मतलब है अभिमान का नियंत्रण। अभिमान की दीवार को तोड़े बिना साधना के फील्ड में प्रवेश कर नहीं सकते। अरियंत पद पर जाने के लिए नमो बोलना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अभिमान व्यक्ति को ऐसे स्पर्शता है जैसे उसको अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है। क्रोध तो खराब लगता है ना, क्रोध तो खराब लगता है, अभिमान कैसा लगता है?
इसलिए वो अंग्रेजी में कच्चा सेंटेंस का है, द स्वीटेस्ट वर्ड इन वर्ल्ड इज टू प्रेज्ड। समझ में है? सबसे मधुर वाचा कौन सी जगत में? प्रशंसा करो। द स्वीटेस्ट वर्ड इन वर्ल्ड इज टू बी प्रेज्ड। बोलो भाई, सूर्य ने क्या कहा? भाई कल के सूर्य की वार्ता याद है कि चले गई दिमाग से? याद है तो अच्छा है। कनेक्टिविटी रखना प्रवचन में, तो आपको भी मजा आएगी, मेरे को भी मजा आएगी। नहीं तो काले की तो वह काले पूरे होने, आज नबू हम लेना काले बीजू हम ले जाओ। कल का खाया हुआ अगर शरीर में नहीं टिकेगा तो आप जी सकोगे? भाई कल का खाया शरीर में टिकेगा तो जी सकेंगे ना। मोशन साफ होने का मतलब है कि पेट में आपको टिक रहा है, वही है ना मोशन साफ। मतलब खाना निकल नहीं गया है तो जो वेस्टेज था वो निकला है, यानी बाकी था परफेक्ट रखा है। वैसे कल का प्रवचन, परसों सब प्रवचन आपके दिमाग में फीड हो रहे हैं ना। एक बात कह देता हूँ कि ये जो तरीका है वर्तमान का कि आपको घर में बैठे बैठे प्रवचन देना, वो है ना पेट में से नाली बांध के खाना खिलाने जैसा। बोलो भाई ये किसको खिलाया जाता है? पेट में छेद पाड़ के डॉक्टर खिलाते ना कभी? कब खिलाया जाता है? अरे कब खिलाया जाता है रोहित भाई है मनीष भाई? अरे जब यहाँ से खाने की शक्ति खलास हो जाए, यहाँ से उतरने का मामला ही पूरा हो जाए, या यहाँ की पूरी शक्तियाँ खलास हो जाए, या आप कोई पार्ट्स वर्क नहीं करते हो, यहाँ पे ऑर्गन्स कमज़ोर हो गए हो, तो उस समय वहाँ डालकर उसको बॉडी को एनर्जी पास की जाती। आपको समझ आ गया ना? बस बड़े समझदार कि डायरेक्ट प्रवचन में आना यानी कि गुरु महाराज के सीधे मुंह से भोजन लेना, और वो अब नहीं आ सकते हो। हालांकि यहाँ पे जयनगर वासियों को तो पुण्योदय है कि भाई फिर भी थोड़े थोड़े आने का लाभ मिल रहा है, फिर भी थोड़े थोड़े लोग डरते हैं। अरे डरे ने क्या कही थे? हाँ डरो मत, लेकिन उत्साह अंतर की उत्तम सत्व साली सा से जियो। अब बोलो भाई मैं भी क्या कर रहा हूँ? ये मतलब ये तरीका जो है ऑनलाइन बोला या फोन लाइन बोलो, हमको इसमें इतना पता नहीं चलता है। लोग बहुत बुलवाते मार साहब व्याख्यान आता नहीं है। मैं बोला मेरे को तो रोज आता है व्याख्यान। नहीं नहीं मार साहब, अरे हमको नहीं आता है। बोला आपको कैसे आएगा? मेरे पास आओगे तो आएगा व्याख्यान बोलना, आपको कैसे आ जाएगा? अरे महाराज साहब ऐसा नहीं है, थोड़ा क्या कोई वर्ड्स का गेम करना पड़ता। तो ये तरीका पेट में छेद डाल के देने जैसी स्थिति है। आज 30 साल हो गए हमको, या 27-28 साल हो गए दीक्षा में, कभी भी ऐसा प्रयोग हमने किया नहीं, प्रभु ने करवाया। लेकिन आपादिक परिस्थितियों में लोगों की समाधि टिकी रहे, समाधि के सूत्र सावधानी के सूत्र देने के लिए उपाय आजमा। तो आप भी हमको थोड़ा अच्छा रिटर्न देना। रिटर्न देना मतलब सुन के फॉलोअप लेना, आराधना में जुड़े रहना, चातुर्मास का दीपक घर में जलाए रखना, घर में बच्चों को प्रेरणा देना कि बहुत ही गोल्डन चांस मिला है, रात्रि भोजन नहीं करोगे तो चलेगा। नहीं तो पहले बहाना मिलता था कि रात को दुकान है, ऑफिस है, वो बच्चा बोलता मेरे को ट्यूशन है, वो काम वाली बोलते मैं नहीं आऊँगी। अब तो एकला हाथे हैं घर में, एक ही हजारे हैं भाई। पहले क्या होता था मानो कि भाई वो बच्चे को पप्पा बोले स्कूल है जानू, स्कूल जानू नहीं क्या? अब वो बेटा पप्पा दुकाने जानू नहीं था हमें वो किया। और वैसे भी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की, 8 बजे पहले सभी, अब 8 बजे आपको घर तक पहुँचना, मतलब कम से कम घर में 7 बजे तो निकलना पड़ेगा ऑफिस से वगैरह, तो आप थोड़ा और पहले निकल जाओ तो सूर्यास्त के पहले के भोजन का भी आपको। देखो भाई कुछ सृष्टि की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी लाकर देती है। 1 घंटे के अंदर 17 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में मरते थे, ये सर्वे उन्होंने मार्च महीने में पढ़ा था। पर आवर 17 पीपल फेसिंग डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। दिन के कितने हुए हैं? 400 तो हुए ना। साल महीने के कितने हुए हैं? 12,000। 3 महीने के 36,000, 4 महीने के 48,000। अब तक कोरोना में कितने मरे जो कोरोना का बोल रहे? बराबर है 20-22। हार्ट अटैक
दिन के 2000 से ज्यादा लोग मरते थे, 2000 मोर टाइम। सृष्टि संतुलन कर रही है कहीं ना कहीं, सृष्टि संतुलन बिना रह नहीं सकती, हमसे ज्यादा संतुलन वो कर रही है। फूड पॉइजन, कितने लोग मरते थे, अब फूड पॉइजन होगा ही नहीं क्योंकि अमृत ही जा रहा है पेट में, पॉइजन होगा कहाँ से, पॉइजन के दरवाजे तो बंद हो गए, खाऊ गली भाऊ गली ढाऊ गली सभी। अच्छा सर्दी कब बढ़ता था, थिएटर में जाना बंद हो गया तो वहां की सर्दी कब तो बंद हो गई, फायदे ही फायदे, बाहर जाके वो गंदे आदमी के हाथ का खाते थे, घर में मम्मी और पप्पा काका काकी के भाभी के हाथ का खाते हैं, पैसा कितना बचता है आपका, सोचो जरा सृष्टि कितना संतुलन कर रहे, मुझे ये कहना है सृष्टि के संतुलनता का विचार भी करो, मात्र उसके ऊपर आरोप मत करो, सृष्टि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हमें दे रही है, बहुत पॉजिटिविटी हमें प्रस्तुत कर रही है। जगत चूड़ामणि भूओ, जगत में चूड़ामणि समान परमात्मा को नमस्कार करके उपदेश माला की मैं रचना कर रहा हूं। सूर्य ने क्या जवाब दिया, वंस मोर। तारे ने क्या जवाब दिया, स्टार ने, नक्षत्र, नक्षत्र का ब्राइटनेस कितना ग्लोनेस होता है, मैं तो छोटा हूं और एक नक्षत्र हम सारे परिवार के सदस्य है। नक्षत्र को पूछा तेरा क्या ग्लोनेस है, क्या तेरा प्रभाव है, तेरे को देखकर तो साधु साधवी मुहूर्त लेते हैं, भाई नक्षत्र देखकर ही मुहूर्त लेते हैं, शादी भी नक्षत्र को देखकर की जाती है। उसने बोला हम तो चंद्रमा के परिवार के, चंद्रमा के अभाव में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, चंद्रा मामा को जाके आप पूछो। चंदा मामा के पास गए, चंदा मामा ने कहा अरे भाई मैं तो खाली रात का बाई प्रोडक्ट आदमी हूँ, बाकी तो मेन प्रोडक्ट तो सूर्य का है, सूर्य पूरी प्रजा को प्रकाश देता है, खेती बाड़ी भी सूर्य के आधार पे होती है, सोलर एनर्जी सूर्य के आधार पे होती है, विटामिन डी सूर्य के आधार पे मिलता है, विटामिन डी तो लेना सीखो, सुबह 6 से लगाकर 9 से 12 अलग अलग विटामिन मिलते हैं, ए बी सी डी ई एफ सब सब मिलते हैं, ये तो हमारे यहाँ पे बैंगलोर में तो सूर्य दिखता ही नहीं है, गुस्सा हो गया हमारे ऊपर, जहाँ भी इस काल में हम रहते हैं ना तो पहले सूर्य का लाभ पहले लेते हैं। सुशील धाम में थे लास्ट दिसंबर में, तो हमारे साथ रोज बाहर जाके आधा आधा घंटा सूर्य का ताप लेते थे, हमारे देवगुरु पर से किसी भी साधु को पैर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, विटामिन डी फुल लेते हैं, और वो जो काम करता है ना विटामिन डी की दवा भी इतनी काम नहीं करती है, वो नेचुरल पूरे बॉडी में पास होता है। अब सूर्य को पूछा अरे भाई तुम तो सबके राजा, यू आर किंग ऑफ ऑल एस्ट्रोनॉमियन किंग, उसने बोला चुप। सूर्य ने कहा देखो दोस्तों, अंतरिक्ष में घूमने वाले लोगों को सूर्य अपनी बात कर रहा है कि मुझे प्रकाश देने का आधार अगर कोई हो तो ये आकाश है, अगर आकाश नाम की चीज नहीं होती तो मेरे भी प्रकाश की कोई वैल्यू अथवा प्रकाश का फैलाव नहीं होता। सूर्य के प्रकाश का फैलाव किससे होता है, अगर बादल आ जाए काले 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 तो दिन में भी बहुत बार कैसा लगता है, अंधेरा जैसे लगने लगता है, 5 बजे बहुत बार गोचरी आती तो इतना अंधेरा था गोचरी वापरने की नहीं, रात जैसा हो जाता है। तो सूर्य ये कह रहा है कि मेरे भी प्रकाश की दिशा, मेरे प्रकाश के किरणों की सार्थकता सफलता कोई हो तो ये खुला आकाश है, आकाश सर्वत्र है ना, नम्रता का जवाब, नम्रता भरा जवाब। हम हमारी शक्ति देखें, उससे अच्छा हमारे सहायक परिबलों को देखें। मैं अपनी ओर से आगे आया हूँ बेटा कहता है, लेकिन उसको ये पता रहना चाहिए कि मुझे आगे लाने में अगर कोई हेल्पिंग फैक्टर हो तो मेरे पेरेंट्स है, हेल्पिंग फैक्टर हो तो मेरे फैमिली मेंबर है, हेल्पिंग फैक्टर हो तो मेरे सदगुरु है, हेल्पिंग फैक्टर हो तो मुझे पार्सल में पढ़ाने वाले हमारे गुरुजी पंडित जी है, हेल्पिंग फैक्टर हो तो संघ का मैनेजमेंट है कि हमको धर्म में क्या हर चीज में आगे लाने का काम किया। हेल्पिंग फैक्टर का विचार करो, अपने पास एसेट ज्यादा है कि लायबिलिटी ज्यादा है, क्या ज्यादा है आपको मालूम है ये सिस्टम कि आदमी को दिवालिया कब बोला जाता है, दिवालिया मतलब दिवालो गाड़ियों, वो कब कहा जाता है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा और एसेट कम हो। बोलो भाई अपने पास गुण ज्यादा है कि दुर्गुण ज्यादा है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू दुर्गुण और एसेट इज इक्वल टू सद्गुण,
बोलो भाई। जैसे कि मैं बहुत परमात्मा की पूजा करता हूँ, बहुत सुंदर पूजा करता हूँ, उत्तम द्रव्य से करता हूँ, मान लिया, व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स? भूकंप आ गया था कच्छ के अंदर, तो वहां पर एक आदमी के माता पिता और उसकी बहन और भाई सभी आउट हो गए, पत्नी बची। इतना शोक का वातावरण छा गया। दूसरे दिन पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। अभी उसको इतनी खुशी होगी, इतना आनंद आएगा, क्योंकि उसके पीछे कितना बड़ा शोक रहा हुआ, वो बेसमेंट ही इतना बिगड़ गया है, तो बेटे की प्राप्ति होना मतलब कि आनंद का ही सब्जेक्ट है ना। लेकिन वो एक बेटे का आनंद इतना नहीं है जितना दुख गयो हो का है। वही बात मुझे करनी है कि अपने पास बहुत बार एक सद्गुण होता है, लेकिन और इतने दुर्गुण भरे पड़े हैं कि वो एक सद्गुण की अपने पास कोई वैल्यू नहीं है। एक सद्गुण भी कल्याण कर सकता है, दूसरे दुर्गुण निकले तो ना, दूसरे दुर्गुणों को निकालना बहुत जरूरी है। कल हमने आपको पचकान दिया था कि क्रोध नहीं करना 24 आवर्स, बैठ गया दिमाग में, हो गया। आज एक और पचकान देता हूँ, 24 आवर्स में थाली में जो आए कोई कमेंट्स किए बिना खा लेना, और खाते खाते बोलना भी नहीं, लेकिन फिर 2 दिन के बाद बोलना मत, बंदा ने देखा कि तू उठा है, ठीक है, तो हमारे पचकान था जो बोलिया नहीं। अरे भाई तो ये पूज्य धर्मदास गणी महाराजा ने मंगलाचरण के अंदर धर्मोपदेश के द्वारा, गुरु के दिए उपदेश द्वारा, मैं ये उपदेश माला नाम के ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, ये बात बताई है। कथानक के अंदर उपकार का परिमल, उपकार का परिमल मतलब कि सरिता होती है उसका स्वभाव शीतलता का ही है। चाहे जेठ महीने की गर्मी पड़े, सरिता का स्वभाव शीतलता का है, वही उसके उपकार की स्थिति है। झाड़ होता है, कितनी भी गर्मी पड़े नीचे जाके बैठो आपको क्या मिलेगा? फल होता है, पत्थर डालो क्या मिलेगा आपको? फल मिलेगा। सृष्टि की सारी चीजें उपकार करने में तत्पर है, तो वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपकार का ही कवच पहन के चलते हैं, उपकार बिना उन्हें और कुछ पसंद नहीं आता है। ऐसी आत्मा को उत्तमोत्तम कहा जाता है। जैसे 6 पुरुष बताए थे ना आपको, अधमा अधम, अधम विमध्यम, मध्यम उत्तम और उत्तमोत्तम, जो मोक्ष के लिए जीवन जिए, मोक्ष के लिए चारित्र पाले, उसको उत्तम कहते हैं। और जो परोपकार के लिए अपना काम हो गया, जैसे परमात्मा केवल ज्ञान को पा चुके फिर भी लोक कल्याण के लिए तीर्थ की स्थापना करते हैं, 2 टाइम 6 घंटा देशना देते हैं, वैसे परमात्मा उत्तम उत्तम कहेंगे। तो अपनी उपलब्धियां हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए जो उपकार की कड़ी शुरू रखते हैं, अरे अपनी हाजिरी में नहीं, अपने मोक्ष जाने के बाद भी यह शासन आज तक चल रहा है और 18,000 चलेगा, यह परमात्मा का वेल एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो परमात्मा खड़ा करके गए, वो उत्तमोत्तम व्यक्ति की परिभाषा है। तो वैसे उत्तमोत्तम व्यक्ति तीर्थंकर जैसे होती है, तो वैसे उत्तमोत्तम व्यक्ति का एक चरित्र अपन पसंद करेंगे, उसको कल से लेंगे, आज का समय अपना हो गया। पचखान सूर्य के पास लेना चाहिए बचकाई अभिग्रह ले लो 24 घंटे का जो दिया है वो धारणा अभिग्रह बचका नेत्र मत्स्य सागर मात्र अनुस सत्याकरण वो सिरई सर्वमंगल मांगल सर कल्याण का प्रदान अवसर तुम मन जय नम तेज शास विचार मन जानते से रेन रहे इसका स्वर